बस बधाई देना चाहूँगा, एक अच्छी बात है कि एक अच्छा प्रोड्यूसर सेंसेबल प्रोड्यूसर और प्रिवांशु जी बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, दो फिल्म दो बड़े सुपरस्टार दिनेश लाल यादव और खेसारी लाल यादव जी हैं, तो बड़े आज मैं दिल से यही कहूँगा कि एक अच्छा शुभ दिन है कि दो बड़े सितारों के बीच में प्रोड्यूसर बहुत अच्छा नेक ईमानदार और जज्बाती आदमी, डायरेक्टर बड़ा अच्छा सुलझा हुआ डायरेक्टर, तो आज बड़ा शुभ दिन है हमारी इंडस्ट्री के लिए कि दो बड़ी फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, अच्छा है इंडस्ट्री के लिए, बड़ा अच्छा दिन है ये। आपके किरदार की अगर बात करूँ फिल्म के अंदर तो फिर देखिए खलनायकी वो विधा होती है जो जितनी छुपी रहे उतना बढ़िया है, सामने आएगा तो फिर किसी को छोड़ेगा नहीं, लेकिन खलनायकी अलग अंदाज में देखने को। हाँ, इसमें प्रियांशु जी ने कुछ अच्छा बनाया है जैसा उन्होंने बताया था मुझे कैरेक्टर है, लेकिन वो अभी गर्भ में है, अभी वो भविष्य में है, फिलहाल दो अच्छी बड़ी फिल्म का मुहूर्त आज के इस दिन पे, प्रोड्यूसर शिव नारायण सिंह जी, डायरेक्टर प्रियांशु जी, तो ये एक अच्छी बात है, आज हम सब उसी को एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग मज़े ले रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं कि एक मतलब समझ रहे हैं कि दो सितारे की बड़ी फिल्में हमारी इंडस्ट्री में सितारों की बड़ी कुछ होती है, बस गॉड ब्लेस अस हम सब के साथ, पूरी इंडस्ट्री के साथ आप सबकी दुआएं हैं, आप सब बस दुआ दें कि इंडस्ट्री इसी तरह से दिन दुनी रात चौबनी तरक्की करें। इसके अलावा कौन कौन सी फिल्म आ रही है भैया? मेरी अभी तो दीवाने रिलीज हुई है, बड़ी अच्छी जा रही है, मैंने सुना चिंटू जी हीरो है, फिरोज खान उसके डायरेक्टर हैं, मैं विलन हूँ, उसके बाद होगी प्यार की जीत है, रंगदारी टैक्स है, अभी बहुत सारी फिल्में हैं और मेरी किस्मत अच्छी है कि जो भी फिल्म है अच्छी फिल्में हैं, प्राउड कर सकता हूँ मैं सारी फिल्मों पर, तो मज़ा है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है इंडस्ट्री में अभी जीने में मज़ा आ रहा है। थैंक यू लव यू। एक बड़े पैमाने पे पूरी इंडस्ट्री जमा हुई और आपकी जो फिल्मों का बहुत हुआ, क्या कहना चाहिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ शिव नारायण जी की पूरी टीम का कि उन्होंने इतने अच्छे लेवल पे इतनी ग्रैंड ओपनिंग की और इतनी अच्छी फिल्म वो बनाने जा रहे हैं, स्टोरी बहुत अच्छी है, मनोज टाइगर जी ने लिखा है, मेरे को एक्टर हैं दिनेश लाल यादव जी, तो ये फिल्म इतनी अच्छी है कि मुझे मैं करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ शिव नारायण जी को और उनकी पूरी टीम को। इसमें मेरा लुक एकदम वेस्टर्न लड़की का होगा, थोड़े छोटे छोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे, बट नॉट अ प्रॉब्लम, कैरेक्टर बहुत अच्छा है तो हाँ, लेकिन इस बार खास बात यह है कि स्टोरी लाइन बहुत डिफरेंट है, ऐसी फिल्म बनी नहीं है पहले कभी, सो इट इज़ अ वेरी न्यू स्टोरी लाइन, तो वापस दिनेश जी के साथ ही दिखेंगे लेकिन इस बार अलग दिखेगा आप लोगों को स्क्रीन पर देखकर। आप भी आजकल वर्कआउट कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, थोड़ा स्लिम होने की कोशिश कर रही, क्या बात है? हाँ, अगर स्लिम नहीं होंगे तो इतनी सुंदर सुंदर हीरोइनें हमारे पीछे कभी भी हमको घर बिठा देंगी, अगर स्लिम नहीं होंगे तो दर्शक लोग जो हमसे इतना प्यार करते हैं नफरत करने लगेंगे, तो आप सभी लोगों के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे खुद के फिटनेस के लिए, अगर आदमी ओवरवेट होता है तो वो सारी बीमारियों का घर होता है, अपनी फिटनेस के लिए मैं वेट लॉस कर रही हूँ और इसीलिए ये जो फिल्म है प्रोडक्शन नंबर 4 ये जब बनेगी तो उसमें आपको मैं एकदम बहुत ज़्यादा सेक्सी फिगर में दिखने वाली हूँ। ऑडियंस ये कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ने मुझे हर तरह हर समय मेरी कोई फिल्म आपको अच्छी लगी हो नहीं लगी हो कोई भी चीज़ हो आपने मुझे हमेशा उतना ही प्यार दिया है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मैं जहाँ पे भी हूँ दुनिया में मेरे माँ बाप के आशीर्वाद के बाद आप लोगों का आशीर्वाद है जो मैं यहाँ हूँ, तो मैं आप लोगों को सिर्फ थैंक यू बोलना चाहती हूँ, चाहती हूँ कि यही प्यार यही आशीर्वाद मुझ पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। मैम अभी आप गाना भी गाने लगे आपकी आवाज़ कब सुनाई देगी? अभी तक तो मुझसे ऑनेस्टली किसी ने अप्रोच नहीं किया कि फिल्म में गाना गाओ, दो लोगों ने बोला है लेकिन वो फिल्म थोड़ी डिले हो गई है तो हम उसमें गाना गा नहीं पाए, अभी देखिए शायद ये जो फिल्म जिसका आज मुहूर्त हुआ इसमें शायद हम गाना गाएंगे। क्या कहना चाहेंगे गानों के लेकर, संगीत को लेकर, और अगर दो लाइन आप सुना सकें तो? हाँ, दो लाइन सुनाने में उसमें हमसे तेल गम का हुआ गवाए हैं, आप मत बात करिए हमसे, लेकिन गाने के लिए मुझे यही बोलना चाहूँगी, मुझे बचपन से गाने अगर मेरा मूड खराब है या कुछ भी है और मैंने एक गाना सुन लिया तो मेरा मूड फ्रेश हो जाता है, तो सॉन्ग मुझे हमेशा फ्रेशन अप कर देते हैं और गाना गाने का मौका मिल रहा तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है। गाना अभी रिसेंटली मैंने गाया था कांवर का एक एल्बम, फिर से
पहले मैं सिमरन जी मैं को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि सच में कोई एक फिल्म नहीं बनाता है और सिमरन जी आज दो दो फिल्मों का मोड किए और फिर मानसिंह जी को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि दोनों फिल्म के डायरेक्टर वही हैं और जितने भी हमारे आज फिल्म इंडस्ट्री के लोग आए हैं सबको मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि आज इन लोगों ने भोजपुरी के माहौल में आके और भोजपुरी के मुहूर्त में आके हर आदमी अपने भोजपुरी का एक परिचय दिया है कि हाँ हम साथ में हैं और सब लोग शायद अच्छा करने की कोशिश करते हैं और इस फिल्म से जितने भी लोग जुड़ेंगे मैं कोशिश करूँगा कि वैसे ही जीते रहे हज़ारों हज़ार बरिस और हर फिल्म का हिस्सा बनते रहे। हमारे साथ में अवधेश मिश्रा जी, इन्होंने आज तक अच्छा काम नहीं किया है पर्दे पर लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं। हमारे खुले में मेहंदी लगा के रखना के प्रोड्यूसर हैं, जो प्रोड्यूसर नहीं कहूँगा वो मेरे भाई हैं और भाई की तरह ही हम लोगों ने फिल्म बनाया है। हमारे रजनीश भैया जो इस साल का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई क्या कहता है लेकिन मैं उस इंसान से इतना प्यार करने लगा हूँ और इतने अच्छे डायरेक्टर, इतनी अच्छी सोच, वो टेक्नीशियन क्या है मुझे पता नहीं लेकिन इतनी अच्छी सोच, एक रजनीश मिश्रा की सोच जो है, सलूट करता हूँ उस इंसान को कि इतनी अच्छी सोच के मेहंदी लगा के रखना फिल्म को, पूरी टीम जो बनाए हमारे धीरज भाई जो कि ये इंसान खेसारी के लिए पानी लेता था कि भाई लो ना पियो ना, तो ये जो हम लोगों ने मेहंदी लगा के फिल्म बनाया उसमें मज़ा आया तो पूरी टीम आज यहाँ जुड़ी है और सबको दिल से थैंक यू। हमारे गुरुदेव हैं आपके मुन्ना जी जो एक प्रोड्यूसर की तरह और डायरेक्टर की तरह नहीं उन्होंने ट्रीट किया, एक बेटे की तरह उन्होंने सम्मान दिया जो मैं ज्वाला फिल्म का हिस्सा बना और इन्होंने इतना प्यार किया कि पहली फिल्म में मैं 4 घंटा ब्रेक किया, धूप बहुत होता था ना तो 4 घंटा ब्रेक वो अपने से बोलते थे बेटा जा आराम कर हम लोग 4 बजे के बाद काम करेंगे, तो मुझे अच्छा लगा। और पूरे लोग यहाँ पे जो आए हैं हमारे सुजीत भैया आलोक भैया जितने लोग हैं सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हर आदमी मेरा गार्जियन है और गार्जियन का चरण छू कर ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और सबसे मैं प्रार्थना ही करता हूँ कि इन लोग का आजीवन आशीर्वाद के सारे लाल यादव का ऐसा ही बना रहे ताकि मैं अपने जीवन की हर उस मुकाम को पालूँ और हर उस मुकाम को छूँ जिसकी मैंने अपेक्षा नहीं की थी। सर जी कुछ सवाल मैं कर सकता हूँ? यस। आपको एक्टर आपके कलीग्स होने के नाते अगर दर्शक के सामने आप गुस्सा ना हो तो मैं कुछ सवाल कर सकता हूँ? अरे मैं गुस्सा तो होता ही नहीं। तो हमारे दर्शक प्रिय, हमारे जितना प्यारा मैं हूँ ये उससे बहुत ज्यादा प्यारे हैं। इंटरव्यू ले रहा हूँ और ये बहुत सही इंटरव्यू है। खेसारी जी आज के डेट में खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में वो मिसाल बन चुका है जो हिंदी इंडस्ट्री में अमित जी होते थे कि कमिटमेंट, टाइम, पंक्चुअलिटी, जो बोल दिया सो कर दिया, उसको लेकर के कैसा फील करते हैं? देखिए मेरे जहाँ तक सवाल टाइमिंग की है और पंक्चुअलिटी की है तो मेरे जीवन में दूसरा कोई काम नहीं है और मैं अपने काम से अगर प्यार ना करूँ तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है और मुझे इंडस्ट्री में रहने का कोई हक नहीं है। और जो इंसान अपने टाइम से प्यार नहीं करता है, अपने वक्त से प्यार नहीं करता है तो वक्त सुधारने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलती, जीवन मिलती है वक्त सुधारने के लिए लेकिन वक्त सुधारने के लिए दोबारा जीवन आपको नहीं मिलेगा। आप जीवन सुधार सकते हैं लेकिन वक्त कब आया कब चला गया, शायद ये पब्लिक जिसको प्यार करती है अपने आंखों पे बैठा कर रखती है लेकिन उसी आंखों के तारा बनने के लिए आपको 24 घंटा मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए आज यही वक्त जो है खेसारी लाल यादव को उस जगह पे पहुंचा दिया जहां हर हीरोइन है, हर आपकी जो फैंस लड़कियाँ हैं वो आपकी दीवानी हो गई है। आप कितनों तक अपने दीवाने पर बांटेंगे? मैं सबसे प्यार करता हूँ। तो कितनों से करते हैं? प्यार का बहुत सारा रूप होता है, जितनी सारी लड़कियां हैं सब कौन सा रूप है? मेरा एक ही रूप है कि सब मेरी बहनें हैं। लेकिन सर ये तो बहुत मैंने पुलेटेड आपने जवाब दे दिया है। सारी मेरी बहनें बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दिया। एक्चुअली देखिए दिल से बताइए, दिल से नहीं बताता, ये हीरोइनें तो आपको बहनें नहीं मानती है, आपने भाई नहीं मानती है। मैं हीरोइनों को बहनें क्यों मानूंगा, जितनी भी ऑडियंस हीरोइनों की बात कर रहे हैं स्पेशली हीरोइनें। आज की डेट में खेसारी जी बड़े हॉट केक हैं, खेसारी जी बड़े कमिटेड हैं, खेसारी जी में बहुत प्यार है, लड़कियां बोलती है सब सपना चाहती है, क्या लगता है आपको, मतलब कैसा फील कर रहा है? आप राजेश खन्ना हो गए हैं, अमिताभ बच्चन हो गए हैं, क्या हो गए, क्या लगता है? एक टाइम पे जा रहा है, प्लीज ना पूछो ना, प्लीज प्लीज बता दो मेरे डार्लिंग, मेरे मुंह में लार आ रहा है, बता मेरे मुंह में लार आ रहा है। ये जनता देख रही है, दर्शक देख रही है। अच्छा देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जब भी काम करता हूँ और जितने भी हमारे इस इंडस्ट्री की लड़कियाँ हैं जो भी मेरी सीनियर है, ऐसे जूनियर तो मेरा कोई नहीं है,
बहुत सारे जितने भी लड़कियाँ हैं सब सीनियर ही हैं, तो मैं सीनियरिटी के हिसाब से मैं उनका कदर करता हूँ। और जहाँ तक प्यार करने की सवाल है, तो सिर्फ बिस्तर का शोभा बढ़ाना ये प्यार नहीं होता है। इंसान किसी को दिल से मानता है, उसे प्यार करता है, शायद हम प्यार नहीं करेंगे तो कैमरे पे काम नहीं कर पाएंगे। तो एक दिल में सम्मान होनी चाहिए, और प्यार के बहुत सारे रूप होते हैं। सारे हीरोनों से मैं प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के साथ मैं संबंध में रह जाऊँ। मेरी एक ही संबंध है। या फिर डिप्लोमेटिक सवाल जो मेरी वाइफ जवाब दे रहा है, क्या हर आने वाले दिन में आपका किसी न किसी हीरोइन के साथ अफेयर की चर्चाएं चलने लगती है? ये क्या सवाल है? ये सवाल बहुत सही सवाल है, यही सवाल है। मैं एक एक्टर और इंडस्ट्री का एक हिस्सा हूँ, मैं जानता हूँ। आप दर्शकों को खुल के बताएं, आप अफेयर्स पे कितना विश्वास रखते हैं? अफेयर होता क्या है? जो आए दिन चर्चाओं में खिसारी लाल रहते हैं। देखिए, जो शेयर होता है वही अफेयर होता है। हम एक दूसरे को अपनी बातें शेयर करते हैं। अच्छा, वही अफेयर हो जाता है और उसी को अफेयर कहते हैं। हम अपनी दिल की बातें अगर आपसे कहते हैं तो आप मेरे कहीं ना कहीं। अच्छा, आपको लगता है जितनी लड़कियां आपको रोमांटिक समझती हैं, आप रोमांटिक है? नहीं सॉरी, एक्चुअली देखिए, सबसे पहले हमको अंडर बियर पहनने नहीं आता है, तो हम लड़कियों को कहाँ संभाल पाएंगे भाई। हम दो बार तो कच्छा उल्टा पहन लिए, आज ही पहन लिए। ये बहुत भोले सच्चे और सीधे मनुष्य है, इनका जवाब बहुत सही है, सटीक है। इनको आप अपने तरीके से हैंडल करें। दो वो कच्छा होता है वो पहन ठीक से नहीं पहन पाते हैं, तो इतने सारे लड़कियों को कैसे पहन पाएंगे? आई लव यू का जवाब मैं हीरो में हीरो से ले लेता हूँ, छोड़ देता हूँ। ये आई लव यू किसी हीरोइन को देते हैं, वो मुझे बोल देती है, तो मैं तो नहीं। चलो थैंक यू, आई लव यू मेरे तरफ से, अवधेश भैया के तरफ से, मेहदी के पूरे टीम के तरफ से, सबको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। कैसे ही ईद मुबारक सबको, मेरे भाइयों को, और आप लोग ऐसे ही खुश रहिए, और मेहदी लगा के रखना, हम बहुत जल्दी आ रहे हैं। खुशी की बात है, क्योंकि शिव नारायण जी एक बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया निर्माता हैं। मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आजमगढ़ के रहने वाले हैं, हमारे पड़ोसी हैं, तो मैं इनको व्यक्तिगत रूप से भी अच्छी तरह जानता हूँ। फिल्म बनाते ही इसलिए हैं ये कि अच्छी फिल्म का निर्माण कर सकें। जला लीजिए, जला लीजिए।